कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित झुमका बोटिंग क्लब पर्यटक स्थल पर जिला आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ टीम ने मॉक ड्रिल टेस्ट का संयुक्त अभ्यास किया। इस अभ्यास में एनडीआरएफ टीम के साथ एससीसीएल रेस्क्यू टीम, एनसीसी और स्काउट गाइड के छात्र शामिल हुए। इस दौरान सभी बचाव उपकरणों के साथ एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को आपदा स्थिति में बचने के उपाय बताए। इनमें जलप्रपात, तालाब और कुएं में डूबने की स्थिति में बचाव के तरीके बताए गए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी SN बोरवणकर ने इस अभ्यास के बारे में जानकारी दी। थर्ड बटालियन उड़ीसा NDRF की टीम है और उनके साथ में अपना DDRF के साथ संयुक्त अभ्यास था। और इस मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, हमारी जनता का मनोबल बढ़ाना, हमारी जनता को प्रशिक्षित करना कि जब कभी कोई भी आपदा आए तो कैसे कंधे से कंधा मिला करके हम संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। और कौन कौन से लोग आज के मॉकड्रिल टेस्ट में शामिल हैं? आज के मॉकड्रिल में NDRF, SDRF के अलावा जिला प्रशासन, उसके अलावा SCCL की रेस्क्यू टीम और हमारे स्कूली बच्चे, NCC, NSS, स्काउट गाइड, KVK और समस्त स्कूलों के टीचर्स और लाभान्वित हुए हैं इस प्रशिक्षण से और इस मॉकड्रिल से। वहीं NDRF के सब इंस्पेक्टर SK त्रिपाठी ने बताया कि देश के विभिन्न भागों में आने वाली आपदाओं के अनुसार उससे बचाने संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण द्वारा ये आदेशित है कि भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में NDRF जाके वहाँ की आपदा संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन किए गए। आपके जिले में, कोरिया जिले में, यहाँ पे जिस प्रकार से जलप्रपात और जल का ये है तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे फ्लड रेस्क्यू का एक डेमो सर ये किया है, ऑर्गेनाइज आज किया है, जिसमें हमने विशेषकर स्कूली बच्चे जो हैं उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया है कि उनको हम कुछ शिक्षा दे सकें कि कैसे वो बाढ़ आपदा में अपने व अपने परिवार या अपने स्कूल की रक्षा कर सकते हैं। सर, कौन कौन से इक्विपमेंट उपयोग में लाए जाते हैं, पर मौके पर कौन से इक्विपमेंट का उपयोग किए हैं आप? सर, हमारे पास NDRF पूरी तरह से सभी ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। वर्तमान में आज के परिप्रेक्ष्य में आज जो हमने इक्विपमेंट यूज़ किए हैं उसमें हमारी रबर बोर्ड्स हैं, OBM है, लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ बॉय है और हमने कुछ ये इम्प्रोवाइज डिवाइसेस भी बनाई हैं, वो हमने प्रदर्शन किया है सर, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को NDRF के बारे में, कार्य प्रणाली के बारे में बता सकें, शिक्षा दे सकें। सर, इस अवसर पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने वृक्षारोपण भी किया।